जिला मुख्यालय धर्मशाला के बाहर पिछले चार दिन से आमरण अनशन पर बैठे विकलांग कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों ने दो टूक अब चेतावनी दी है कि जब तक खुद सीएम आकर उनकी मांगे नहीं मानते हैं तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष तकदीर सिंह ने कहा कि दो दशक से संघ अपनी मांगों को उठा रहा है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला मुख्यालय धर्मशाला के बाहर पिछले चार दिन से आमरण अनशन पर बैठे विकलांग कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों ने दो टूक चेताया है कि जब तक सीएम खुद आकर उनकी मांगे नहीं मानते तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष तकदीर सिंह ने कहा कि दो दशक से संघ अपनी मांगों को उठा रहा है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तकदीर सिंह ने कहा कि सीएम के पास बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन से मिलने का तो समय है लेकिन आमरण अनशन पर बैठे विकलांग संघ के पदाधिकारियों के पास आने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार विकलांगों के प्रति कितनी संवेदनशील है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। तकदीर सिंह ने बताया कि संघ की 25 मांगे पहले ही सीएम को अवगत करवा दी है इसके बावजूद मांगों को अनदेखा किया जा रहा है जिसके विरोध में उन्हें आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। विकलांगता के ऊपर पूरे हमारे पूरे प्रदेश इधर सबसे पहले हम पूरे जो हिमाचल में जो विकलांग दिवस मनाया जा रहा है सभी विकलांगों को मुबारकबाद देते हैं और इस बार हमने जो विकलांग का नहीं मनाने का बहिष्कार किया है इसके लिए हम सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हैं। वो इसलिए करते हैं जो हमारी मांगे 20-22 साल से चली दोनों सरकारों के साथ हमारा खेद है क्योंकि हमारी जो मांगे 20-22 साल पुरानी है और उन मांगों में एक ऐसा है कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने 10 दिन का वो मांग पत्र 25 मांगों का मांग पत्र दिया था और उन्होंने आज तक हमारी वो मांगों के ऊपर गौर नहीं किया और मुख्यमंत्री जो है वो माननीय हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन जी हैं उनसे मिलने के लिए टाइम है उनको और हमारे विकलांगों से मिलने के लिए टाइम नहीं है। और कितनी सहानुभूति है हमारे विकलांगों से वो इससे पता लगता है कि सरकारें जो है वो हमारे से कितनी मतलब ये करती हैं कितना प्यार करती हैं हमें। वो उनको संविधान की शब्द खाने वाले आज विकलांगों का कोटा खा रहे हैं। आप हम उनसे पूछते हैं कि आप हमारे से बात तो करो बात तो करो हमारे से जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर बात तो करो। सब जायज मांगे हैं कोई नाजायज मांगे नहीं है हमारे राष्ट्र से वही मांग रहे हैं ना। कुल कितनी मांगे हैं सर? 25 मांगे हैं। ज्यादा नहीं है 25 मांगे हैं जो स्टेट की है ना। अच्छा अगर मुख्यमंत्री जब तक आपको आश्वासन तो मिल रहे हैं तो आपकी क्या मांग रहेगी मुख्यमंत्री से? सर आश्वासन 22 साल से आश्वासन तो मिले हैं जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिलता चीफ मिनिस्टर से नहीं आ जाते तब तक हम अपनी हड़ताल को छोड़ने वाले हमारा वो हड़ताल जारी रहेगी। थैंक यू जी धन्यवाद।